हाय गाइस, मैं अजय कंबोज और आज हम बात करेंगे कि जो मेडिसिन होती हैं, जो ड्रग्स होती है, उनमें साल्ट जो वर्ड है वो किस चीज के लिए यूज किया जाता है। जब भी हम बात करते हैं कि इस मेडिसिन में ये साल्ट है, ये साल्ट है, ये साल्ट है, अगर हम फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन की बात करते हैं तो एक जो ड्रग है, मेडिसिन है, उसमें एक्टिव इन्ग्रीडियंट होते हैं, बल्किंग एजेंट्स होते हैं और बहुत सारे दूसरे भी इन्ग्रीडियंट्स ऐड होते हैं ताकि उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। तो जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है या जो मेन इंग्रेडिएंट होता है, जो भी आपकी मेडिसिन है या ड्रग है, उसमें जो मेन इंग्रेडिएंट होता है जिसका थेरापेटिक यूज होता है, जिसका पर्टिकुलर इंडिकेशन होता है, जिस चीज के लिए हम उस मेडिसिन या ड्रग को यूज कर रहे हैं, उसको हम साल्ट कहते हैं। जैसे हम एक एग्जाम्पल के तौर पर एक मेडिसिन ले लेते हैं, वो फीवर के लिए यूज की जाती है और उसमें पैरासिटामोल एज ए एक्टिव इंग्रेडिएंट डाला हुआ है, तो जो पैरासिटामोल होगा उसको हम साल्ट कहेंगे। वहां पे जनरल लैंग्वेज में हम उसको साल्ट कह देते हैं कि इस मेडिसिन में जो साल्ट है वो पैरासिटामोल है। और बाकी तो बहुत सारी चीजें उसको प्रिपेयर करने के लिए यूज की जाती है, बल्किंग एजेंट भी यूज किए जाते हैं, बाइंडर्स भी यूज किए जाते हैं, लुब्रिकेंट्स भी यूज किया जाता है, तो वो तो बहुत सारे उसके अलावा दूसरे इंग्रेडिएंट भी यूज किए जाते हैं फॉर्मुलेशन में ताकि उसको एक प्रॉपर डोजेज फॉर्म में कन्वर्ट किया जाए। बाकी जो भी मेन पर्टिकुलर थेरेप्यूटिक यूज होता है वो एक, अगर सिंगल इंग्रेडिएंट की मेडिसिन है तो एक का ही होगा, अगर कॉम्बिनेशन में है तो जितने कॉम्बिनेशन में होंगे, अगर दो एक्टिव इंग्रेडिएंट कॉम्बिनेशन में है तो दोनों के थेरेप्यूटिक इफेक्ट होंगे तो उसमें दो साल्ट होंगे।